Good afternoon, students, and welcome to the online lecture of Sharadi More English School. Okay, so today I will start the next topic. So the name of the topic is what is next? What is next? Okay, so now what you have to do? Observe the picture, write proper order of activities. Means what is next का मतलब क्या होता है? हम मतलब बाद में क्या आएगा? जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो स्टार्टिंग में, तो उसके बाद क्या करोगे, है ना? फिर उसके बाद क्या करोगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट इज नेक्स्ट. सो नाउ फर्स्ट पिक्चर, अब फर्स्ट पिक्चर ऑब्जर्व करते हैं प्रॉपरली. उसमें देखो, हियर देयर इज अ बॉय वॉशिंग अ फ्रूट, राइट. अब देखो फ्रूट वॉश कर रहा है, मतलब तीन अलग अलग पिक्चर्स है ना. फर्स्ट उसमें वो क्या कर रहा है, फ्रूट को वॉश कर रहा है. फिर सेकेंड वाले में फ्रूट ईट कर रहा है, और यहाँ पर वो फ्रूट को क्या कर रहा है, कट कर रहा है. अब आप बताओ कि कौन प्रॉपर रहेगा, है ना. पहले फ्रूट खाने से पहले क्या करोगे, आप वॉश करोगे फ्रूट को, राइट. फिर वॉश करके डायरेक्ट तो नहीं खा जाओगे, उसको पहले कट करना पड़ेगा, राइट. तो पहला और पहला एक्टिविटी कौन सा रहेगा, ये वाला फर्स्ट. इसको क्या रहोगे आप, फर्स्ट नंबर दोगे. फिर सेकेंड नंबर पे क्या आएगा, फ्रूट को कट करना, है ना, फ्रूट को कट करोगे. फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में फ्रूट को आप क्या कर लोगे, ईट करोगे, खा लोगे. तो ये क्या है, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, है ना. ये प्रॉपर सीक्वेंस है, मतलब व्हाट इज नेक्स्ट, मतलब फर्स्ट आप वॉश करोगे, फिर व्हाट इज नेक्स्ट आप उसको कट करोगे, फिर व्हाट इज नेक्स्ट फिर आप उसको ईट करोगे, राइट. फिर अब नेक्स्ट, अब देखो सेकेंड इसमें क्या है, एक बॉय है वो स्कूल जा रहा है ना. और उसके बाद सेकेंड वाले उसमें वो बॉय जो है क्या कर रहा है, ही स्लीपिंग, है ना, सो रहा है. और उसके बाद वो क्या कर रहा है, स्कूल यूनिफॉर्म में ही खेल रहा है. सो अब देखो इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या रहेगा. देखो अब सबसे पहले वो रात को सोएगा, है ना, सोएगा. सो फर्स्ट इसके नीचे हम लोग क्या देंगे, नंबर वन. फिर उसके बाद वो उठ के मॉर्निंग में सुबह सुबह रेडी होके स्कूल जाएगा बैग लेके, है ना. तो वो कौन सी एक्टिविटी रहेगी, सेकेंड एक्टिविटी रहेगी. उसके बाद फिर वो स्कूल में जाके खेलेगा, उसका रेसेस टाइम होगा तो, है ना, बॉल से खेलेगा, तो उस पर हम लोग क्या देंगे, नंबर थ्री. सो ऐसे ये एक्टिविटी हो गई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, राइट. अच्छा है ना. उसके बाद अब देखो नेक्स्ट वाली पिक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट. अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है. पहले इसमें देखो आप लोग स्टोव जल रहा है ना, यहाँ पे गैस ऑन है. फिर सेकेंड में एक गर्ल है, उसके हाथ में टी है या मिल्क है ना, एक कप में टी है. और यहाँ पे उसकी मम्मी है जो क्या कर रही है, टी को पॉर कर रही है, जो मिल्क है शायद, मिल्क को क्या कर रही है, पॉर कर रही है. ओके, तो अब कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट तो हम लोग मिल्क को गर्म करेंगे, पकाएंगे, कच्चा तो नहीं पी जाएंगे, है ना. तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट उसके बाद उसको कप में निकालना पड़ेगा, आप पतीली में तो नहीं पी सकते, है ना, कप में निकालना पड़ेगा. सेकेंड फिर व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या रहेगा, वो क्या करेंगे, उसको पी लेंगे, यू विल ड्रिंक इट. सो यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड. सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके. अब नेक्स्ट, समझ में आया आपको प्रॉपरली वाला पार्ट. लेट अस मेजर. अब देखो ये वाले टॉपिक में क्या है, लेट अस मेजर. मेजर करना मतलब के किसी चीज को नापना, है ना, आप किसी चीज को नापते हो तो क्या उसको मेजरमेंट करना बोलते हैं. अब बैच कवर इज नीडेड फॉर यश स्कॉट, वन इज वेरी शॉर्ट द अदर इज वेरी लॉन्ग. ओके, अब देखो बैट कवर मतलब उसको बैट पे डालने के लिए कवर चाहिए, है ना. अब देखो यहाँ पे एक शॉर्ट है और एक क्या है, लॉन्ग है, तो उसको एग्जैक्ट उसका मेजरमेंट चाहिए, है ना, उसके बैट के कॉर्ड का. तो उसके हाँ मेजरमेंट कैसे लेगा, वो क्या करेगा, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी स्टिक थ्रेड या हैंड के थ्रू क्या करेगा, उसको मेजर करेगा. देखो यश क्या कर रहा है, यश डज नॉट हैव अ टेप टू मेजर. अब उसके पास टेप नहीं है मेजर करने के लिए, तो वो कैसे करेगा, लेट्स मेजर द लेंथ बाय स्पैन. मतलब कि हाथ से आप क्या करोगे, हैंड से, ये देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, हैंड को यूज करके क्या करोगे, मेजर करोगे. सो वन ऐसे करोगे, वन टू थ्री, है ना, वो देखो मेजर कर रहा है उसको. सो उसको जब उसने मेजर किया, सो यश मेजर द लेंथ एज 11 स्पैन्स. मतलब उसके हाथ का जो मेजरमेंट था वैसे उसने 11 टाइम किया, है ना, 11 बार.
So the length of bed cover should be 13 spans, as it has to be a little longer. है थोड़ा सा लॉन्ग होना चाहिए, एकदम नीचे जमीन पे टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लॉन्ग होना चाहिए. तो उसका टोटल कितना आया मेजरमेंट, 11 प्लस टू 13 स्पेंस. ओके, सो नाउ डिस्कस, थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स हूज लेंथ्स आर मेजर्ड. ओके, सो उसने कितने स्पैन्स मेजर किया, 11. अब बेड को जो शीट रहेगा है ना, तो उसका उसका जो मेजरमेंट रहेगा दो हैंड्स क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. ओके, सो 13, 11 प्लस 2 टोटल 13. उतना उसको क्या करना पड़ेगा, शीट लेना पड़ेगा उस साइज की. थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट्स हूज लेंथ्स आर मेजर्ड. Which instrument should be used to measure the length? अच्छा, आप और कौन से ऑब्जेक्ट्स आप यूज कर सकते हो, है ना. मेजर द डिस्टेंस बाय फीट बिटवीन द टू फ्लावर पॉट्स नियर बाय. अब देखो यहाँ पे टू फ्लावर पॉट्स है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर कर रही है. वो किससे मेजर कर रही है, देखो वॉक करके, मतलब अपनी फीट से ऐसा 1 2 3 ऐसे चल रही है और फिर मेजर कर रही है ना. फिर तो कितने फीट्स हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 अप्रोक्सीमेटली, मे बी 7 होगा, राइट. सो गेस द लेंथ ऑफ अ न्यूज़पेपर, मेजर इट बाय स्पैन एंड राइट. अब आपको क्या करना है, एक न्यूज़पेपर लेना है, उसका भी मेजरमेंट क्या करना है, स्पैन से, मतलब आपके हैंड से क्या करना है, ऐसे मेजर करना है, और उसका मेजरमेंट आपको क्या करना है, राइट करना है. सो इट्स योर एक्टिविटी. ओके, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेज ऑफ अ वीक. अब देखो एक वीक में कितने डेज होते हैं, टोटल 7 डेज होते हैं ना. वन वीक में 7 डेज होते, तो हम लोग वो स्टडी करेंगे आज, ठीक है. देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे गिवन है, लुक हियर, फर्स्ट मंडे है ना, मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, सो नाउ लुक, हाउ मेनी डेज आर हियर, टोटल 7. ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, टोटल कितने डेज है, 7 डेज है. ओके, सो फर्स्ट क्या है, मंडे. मंडे को देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवेन है, डे और उसके अलग अलग गेम्स, डे के अलग अलग गेम्स. ओके, सो मंडे, मंडे का है खोखो. फिर ट्यूसडे, ट्यूसडे का क्या है, इट्स लंगड़ी. देन वेंसडे, वेंसडे पे टिप कैट. थर्सडे हाइड एंड सीक. And then Friday, Lagori. Okay. So now see the above table and write answers in the boxes. See the above table and write answer in the boxes. अब हम लोग को table observe करना है और answer करना है. Okay. First question. Question number 1. Which game do children play on Tuesday? So which game do children play on Tuesday? अब children Tuesday को कौन सा game play करते हैं? So now look the table. कौन सा day है game Tuesday को? लंगड़ी, राइट. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लंगड़ी, है ना. क्या आएगा आंसर फर्स्ट का, लंगड़ी, ठीक है. फिर सेकेंड क्वेश्चन, विच डे दे प्ले हाइड एंड सीक. अब देखो हाइड एंड सीक वो कौन से दिन खेलते हैं, मतलब हर दिन वो अलग अलग गेम्स खेलते हैं, तो हम लोग को क्या है क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है. अब विच डे डू दे प्ले हाइड एंड सीक, कौन से दिन वो क्या करते हैं हाइड एंड सीक खेलते हैं. देखो हाइड एंड सीक यहाँ पर थर्सडे को है ना, सो हियर यू विल राइट द नेम ऑफ द डे, TUR SDAY थर्सडे. आपको हर डे की प्रॉपर स्पेलिंग याद होनी चाहिए, TURSDAY थर्सडे, ठीक है. नाउ थर्ड, इफ चिल्ड्रन आर प्लेइंग टुडे खो खो, विच गेम विल दे प्ले टुमारो. ओके, नाउ लुक, अगर वो आज खो खो खेल रहे तो कल कौन सा दिन, कल कौन सा गेम खेलेंगे. अब देखो खो खो कौन से दिन खेलेंगे लोग, मंडे को. तो नेक्स्ट डे क्या आता है, मंडे के बाद
ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को कौन सा गेम आ जाएगा? लंगड़ी, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा फर्स्ट थर्ड वाले में आंसर? लंगड़ी। ठीक है, इफ यस्टरडे चिल्ड्रन प्लेड लंगड़ी, विच गेम विल दे प्ले टूडे? मतलब कि अगर उन्होंने यस्टरडे, यस्टरडे मतलब कल है ना, कल उन्होंने जो खेले थे, कौन सा गेम खेले थे? अगर उन्होंने यस्टरडे लंगड़ी खेले थे तो आज वो कौन सा गेम खेलेंगे? अब देखो यहाँ पर लंगड़ी खेले थे तो उसके बाद नेक्स्ट डे क्या है? वेडनेसडे है ना, तो वेडनेसडे को वो कौन सा गेम खेल रहे हैं? टिप कैट। व्हाट इज दैट? टिप कैट। ओके, सो नाउ अब देखो हम लोग समझते हैं कि टुडे टुमारो यस्टरडे कैसे होता है। देखो सैटरडे संडे मंडे, ठीक है, अगर टुडे, टुडे का मतलब प्रेजेंट, आज, ठीक है, टुडे मतलब आज का दिन। सो टुडे इज अ हॉलीडे फॉर आवर स्कूल, सो संडे है तो वो क्या है? टुडे, मतलब आज का दिन अगर संडे है तो क्या क्या बोलोगे? इट्स टुडे। आपको कल, मतलब जो टाइम पास्ट हो गया है संडे के पहले, संडे के पहले वाला दिन कौन सा आता है? सैटरडे, तो वो क्या हो जाएगा? यस्टरडे, मतलब जो दिन आके चला गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और जो दिन आने वाला है नेक्स्ट डे, संडे के बाद नेक्स्ट डे कौन सा आएगा? मंडे, तो वो क्या हो जाएगा? टुमारो। समझ में आया? टुमारो। सो नाउ लेट्स सी द स्टेटमेंट। सैटरडे यस्टरडे देयर वाज अ पिकनिक फॉर अ स्कूल, संडे टुडे, टुडे इज अ हॉलीडे फॉर आवर स्कूल, मंडे टुमारो, टुमारो देयर विल बी स्कूल एज यूजुअल। समझ में आया? तो ये हम लोग के डेज ऑफ द वीक हम लोग ने स्टडी करे। समझ में आया? टोटल कितने वीक्स, कितने डेज है वीक में? 7 डेज है, दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सो नाउ लुक द स्पेलिंग्स प्रॉपरली। व्हाट इज द स्पेलिंग फॉर मंडे? एम ओ एन डी ए वाई, मंडे। टी यू ई एस डी ए वाई, ट्यूसडे। डब्ल्यू ई डी ई एस डी ए वाई, वेडनेसडे। T H U R S D A Y, Thursday. F R I D A Y, Friday. S A T U R D A Y, Saturday. S U N D A Y, Sunday. Okay, so these are the 7 days of a week.